हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप मॉड्यूल होता है, जो कस्टमाइजेशन के लिए होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ वहां पर नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या ये नए फीचर है उसके लिए आप आगे चलते हैं, पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसी नई अपडेट्स के लिए आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं नए अपडेट के बारे में बताने हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको माय अपडेट्स में जाना है। तो नीचे आप देखेंगे आपको गुडलक ऐप का एक नया अपडेट आपको अवेलेबल दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये अपडेट आपको अवेलेबल दिख रहा होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इस अपडेट का वर्जन है 2.2.0.36 जो कि आज ही के दिन रोल आउट किया गया है। मतलब कि 5 सितंबर को इसको रोल आउट किया गया है, जो कि 10 MB का अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या चेंजेस किए गए। चेंज द कैटेगरी विथ मेकअप एंड लाइन अप, मेकअप द प्लग इन ऑफ योर डिवाइसेस मोर एस्थेटिक लॉक स्टार और लाइन अप द। यहाँ पर क्या किया है, आप कैटेगरीज को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर दो कैटेगरीज बना दी गई है, मेकअप और लाइफ अप वाली पैक। अब ये कैसे दिखेगा, पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ। पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो गुडलक मॉड्यूल है, पहले कैसे दिखता है, अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो पहले आपको गुडलक मॉड्यूल ऐसे दिखता है। यहाँ पर नीचे आपको यूनिट दिखता है, यहाँ पर फैमिली दिखती है। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट करने के लिए आप यहीं जाना है, यहाँ जाने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं कि क्या नए चेंजेस यहाँ पर किए गए। फाइनली अपडेट होने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उसका इंटरफेस है, पहले तो पूरा चेंज हो गया है। ऊपर जो गुडलक का लेआउट आ रहा है बिल्कुल ही अलग तरीके का आ रहा है। नीचे आपको मेकअप दे दिया गया है, जहाँ की पहले यूनिट आता था, अब यहाँ पर लाइफ अप दे दिया गया है। तो यहाँ पर मेकअप में आपको ये नए नए चीज़ें दी गई हैं, लाइक थीम पार्क यहाँ पर दे दिया गया है, वंडरलैंड जो भी एप्स थे यहाँ पर आ गई हैं, लॉक स्टार, की कैफे, नेव स्टार, होम अप, क्लॉक अप, क्यूक स्टार आपको एक तरफ कर दिया गया है। ऐसे ही लाइफ अप में जाएंगे तो लाइफ अप में आपको नाइट शॉट्स, हाउंड असिस्टेंट, रूटीन, मतलब ये सब चीज़ें आपको अलग अलग कैटराइज कर दिया गई है। यहाँ पर आप देखेंगे थ्री डॉट्स में क्या दिया गया है। थ्री डॉट्स में जाएंगे तो रिव्यू आ गया है, गुड लक क्रेडिट आ गया है। यहाँ पर क्या है, गुड लक क्रेडिट ऐसा दिखेगा। यहाँ पर किसी भी ऐप में जाएंगे तो ऐप का जो थीम पार्क लाइक है वहाँ पर खुल गया है। वंडरलैंड में जाएंगे तो वंडरलैंड खुल जाएगी। लॉक स्टार में जाएंगे तो लॉक स्टार का व्यू यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने वाला है। की कैफे में जाएंगे तो की कैफे का व्यू जैसा पहले आता था मेरे हिसाब से वैसा का वैसे ही दिखने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर गुडलक के लेआउट को चेंजेस किया। आने वाले चाइन पे मुझे लगता है कि इसमें सारी ऐप में कुछ ना कुछ नए अपडेट्स अवेलेबल होंगे। दोस्तों यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। बाकी सबसे जरूरी चीज़ यार, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई अपडेट डालूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो थैंक यू दोस्तों।